गुड मॉर्निंग ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आज पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। देखिए बच्चों, सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन कहलाता है। ग्रामर पोर्शन में मॉडल फर्स्ट पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब आपको पढ़ाया था, फिर टेंसेस के बारे में आपने अध्ययन किया, थर्ड पॉइंट आता है इसका मॉडल्स, आज इसकी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद यूज ऑफ पैसिव वॉइस, रिपोर्टिंग क्लोजेस, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशंस एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक। ये जो बाकी है ये हम आगे रन करेंगे, ठीक। तो आज जो है प्रेजेंटेशन है मॉडल्स का। देखिए डेफिनेशन ऑफ मॉडल, इसकी परिभाषाएं, कुछ वर्ड एक खास मूड या अवस्था को प्रकट करते हैं, इन्हें मॉडल्स या मॉडल एक्सिलरेटिव कहते हैं। मॉडल्स ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाजत और आवश्यकता व्यक्त की जा सके। सेकेंड, मॉडल्स कभी अकेला नहीं आता, इसका प्रयोग सदैव किसी मुख्य क्रिया पर्व के साथ किया जाता है। जैसे आई हैव टू वेट हियर फॉर एन होम, यू मस्ट ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक, शी शुड डू हर ड्यूटी। देखिए टाइप्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल के प्रकार। कैन हैव टू, could have, should, ought to, next है must, must have, next has, have to, इत्यादि ये क्रियाएं need एंड नीड टू, ठीक। ये हो गए मॉडल्स के प्रकार। फर्स्ट एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, यू शुड वर्क हार्ड। मीनिंग्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स की जो मीनिंग है ये आप देखेंगे। कुड है, कुड है पर है सकता हाँ। शुड याने होता है चाहिए, शुड है चाहिए हाँ, ought to चाहिए, ought to have चाहिए हाँ, may या might सकता है, may have याने सकता हाँ। ये देखिए ये ग्रामर यहाँ बदल जाता है, may के लिए है और have यदि लगा दे तो ये सकता हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है used to, करता था, वुड किया करता था, मस्ट जरूर चाहिए, ठीक, मस्ट है जरूर होगा, डेयर हिम्मत करना, हैज या हैव टू करना पड़ता है, हैड टू करना पड़ा, विल हैव टू करना होगा, विल के लिए होगा शब्द इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट नीड, मीन्स जरूरत है, रिक्वायरमेंट, नीड टू ने की जरूरत है। ये सारे हो गए इसकी जो मीनिंग है। देखिए कैन का प्रयोग, जो उसके टाइप्स पढ़े आपने उसमें इंपॉर्टेंट आता है कैन, वर्तमान योग्यता या क्षमता के लिए आता है। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी मैं जो अन्य क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर सकता हूं। कैन का अर्थ होता है सकना, ये सकता हूं, ये दोनों अर्थ से। सेकेंड एग्जाम्पल, शी कैन लिफ्ट 100 kg वेट एट ए टाइम, ही कैन रिपेयर दिस वॉच,
ही कैन रिपेयर दिस वॉच, यानी वह ही वह इस्तेमाल होता है कैन रिपेयर दिस वॉच यानी घड़ी, है ना, तो वह घड़ी जो है वो सुधार सकता है। ठीक, नेक्स्ट कैन का प्रयोग एबिलिटी कैपेसिटी परमिशन या पॉसिबिलिटी यानी कोई संभावना आ जाती है उसको व्यक्त करने के लिए इसका भी प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण द्वारा समझते हैं, देखिए, she can speak संस्कृत, वह संस्कृत बोल सकती है, she for the girl के लिए, ठीक है, ये इसके लिए she और boy के लिए क्या आता है he, ठीक, ये second I can swim 2 kilometers in 20 minutes, मैं 20 मिनट में 2 किलोमीटर क्या कर सकता हूँ तैर सकता हूँ। ठीक, you can wait in my office, आप मेरे दफ्तर में प्रतीक्षा कर सकते हैं। फोर द लॉस्ट चाइल्ड कैन बी एनीवेयर नाउ, खोया हुआ बच्चा कहीं भी हो सकता है। वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, कैन मेक मिस्टेक, आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, सेकेंड वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, कैन आई बी अ मर्डर, क्वेश्चन मार्क, घबराहट या बेचैनी को प्रश्नवाचक वाक्य द्वारा प्रकट करना। देखिए, व्हाट कैन ही मीन, यानी तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है, वेयर कैन आई स्टडी, मैं कहां पढ़ सकता हूं, भूतकाल के वाक्यों के अनुमान हेतु कैन का प्रयोग होता है, ही वेंट अर्ली सो ही कैन हैव got the bus. Next, can't can के प्रयोगों का नकारात्मक, ठीक, यानी can को जब लिखते हैं सकना या सकता, ठीक, तो एक नया शब्द होता है सी ए एंड can't बोलते हैं, ठीक, यानी नहीं, नहीं का होगा इसमें चंद, I can't do it, यानी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, यानी इसमें नकारात्मक शैली आती है। ठीक, नेक्स्ट, आई कांट लिफ्ट इट, मैं लिफ्ट में नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स, आज आपने कैन जो मॉडल्स का एक टाइप था, कैन जिसका अर्थ है सकना या सकता, इसके उदाहरणों को बहुत अच्छे से अध्ययन किया, पढ़ा, समझा। ठीक, आप होमवर्क दे रही हूं, आप इसमें इसके 10 सेंटेंस बनाएंगी, कैन के वाले और कांट वाले 10 सेंटेंस बना के कॉपी में लिखेंगी, स्पेलिंग्स को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगी और अच्छे से आपको रीड करना भी आना चाहिए। थैंक यू सो मच।